आज भाई मैं सबसे डिफिकल्ट पीसी बिल्ड करने वाला हूँ, क्योंकि ये पीसी बिल्ड तुम्हारी पॉकेट मनी से भी बन सकता है। ये पीसी बिल्ड होने वाला है हल्की फुल्की गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और स्टूडेंट या ऑफिस वर्क के लिए। तो ये हो जाएगा सबसे चीपेस्ट पीसी फुल सेटअप। और इस पीसी बिल्ड का मैंने कुछ गेम में बेंचमार्क्स भी किया है। इसमें मैं बता दूं क्या क्या पार्ट्स रहेंगे। इसमें रहेगा एक मॉनिटर, एक कीबोर्ड, एक माउस, सीपीयू के ऑल कंपोनेंट्स विद ए न्यू ग्राफिक्स कार्ड यूज करूंगा, और सभी पार्ट्स न्यू होंगे एंड इजिली अवेलेबल होंगे अमेजन और फ्लिपकार्ट पर। तो इस बिल्ड के लिए सीपीयू लिया है मैंने इंटेल का कोर टू डुओ E8400। इसमें तुमको दो कोर और दो थ्रेड मिल जाते हैं जिसकी स्पीड है 3 GHz। ये सीपीयू स्टूडेंट और ऑफिस वर्क के लिए जबरदस्त सीपीयू है। इसके साथ तुम्हें 15 ग्राम का हीट सिंक मिल जाता है जिससे तुम्हें बाहर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तुम्हें अमेजन पर 679 रुपये का पड़ेगा। इसमें स्टॉक कूलर नहीं दिया जाता है, इसके लिए मैंने एक अलग से फैन भी लिया है। ये इस प्रोसेसर के लिए बेस्ट फैन रहेगा। तो ये अमेजन पर आपको पड़ेगा 247 रुपये का। तो अब आते हैं अपने मदरबोर्ड की तरफ। तो मदरबोर्ड में हमने लिया है जेब्रोनिस का G31 मदरबोर्ड। इसमें दो रैम स्लॉट मिलते हैं जिसमें मैं अभी 4GB रैम अटैच करने वाला हूं। यह LGA775 सॉकेट वाला मदरबोर्ड है जिससे तुम्हारी परफॉर्मेंस और इनहेंस होगी। इसमें तुम्हें डिस्प्ले सपोर्ट और USB 2.0 का स्लॉट भी मिल जाता है। तो ये तुम्हें अमेजन पर पड़ेगा 2900 रुपये का। अब आते हैं अपने रैम की तरफ। तो रैम है हमने लिया है 4GB रैम। तो इसमें मैं 2GB के दो स्टिक DDR2 के इस्तेमाल करने वाला हूँ, और ये मदरबोर्ड 4GB तक ही सपोर्ट करता है। 4GB वैसे ऑफिस वर्क, स्टूडेंट वर्क और हल्की फुल्की गेमिंग के लिए मस्त है। ये तुम्हें अमेजन पर 498 रुपये का 2GB का एक स्टिक का पड़ेगा। मैंने दो लिए हैं इसलिए ये मुझे पड़ा 996 रुपये का। तो इस बजट बिल में मैंने SSD ही यूज किया, क्योंकि इसका फायदा तो आपको पता ही होगा। मैंने SSD में लिया है चिप्टोनिक्स का गेमेक्स 120GB का SSD। तो ये अमेजन पर पड़ेगा आपको 1942 रुपये का। तो इसमें मैंने ग्राफिक्स कार्ड भी लिया है। गेमिंग और स्टूडेंट वर्क के लिए ये है जोटेक का GeForce GT710 2GB DDR3 वाला वेरियंट। ये तुम्हारे मदरबोर्ड के पावर को और इनहेंस कर देगा। ये तुम्हें अमेजन पर 3990 रुपये का मिल जाएगा। अब इसके लिए मैंने जो LCD लिया है वह एंटर का 15.4 इंच का फुल HD मॉनिटर। इसमें तुम्हें एक HDMI और एक VGA पोर्ट मिल जाता है। साथ ही साथ इसका रेसोल्यूशन है 1920x1080 और रिस्पांस टाइम है 6 ms/s। यह तुम्हें अमेजन पर पड़ेगा 3289 रुपये का। अब आते हैं अपने कीबोर्ड और माउस की तरफ। तो कीबोर्ड और माउस दोनों ही मैंने कॉम्बो लिया है। ये आता है जेब्रोनिस की तरफ से। इसका प्राइस तुम्हें पड़ जाएगा 355 रुपये का। अब आते हैं अपने पावर सप्लाई यूनिट पर। तो पावर सप्लाई में हमने लिया है आर्टिस का 400 वाट का पावर सप्लाई। ये तुम्हारे बिल्ड के लिए काफी है। ये तुम्हें अमेजन पर पड़ेगा 759 रुपये का। लेकिन इसके लिए केस आपको ऑफलाइन मार्केट से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन केस लोगे तो भाई तुम्हारा बजट पॉकेट मनी से बाहर चले जाएगा। तो ये रहा पीसी बिल्ड का गेम बेंचमार्क। अगर तुम इस पीसी बिल्ड में 5000 रुपया बस और खर्च करोगे तो तुम्हें इससे थोड़ा और परफॉर्मेंस वाला पीसी बिल्ड मिल जाएगा, जिसमें तुम्हें i3 प्रोसेसर और DDR3 रैम मिल जाता है। अगर ये वीडियो देखना चाहते हो तो क्लिक करो।